रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते मासूम की हत्या, हुए दो गिरफ्तार, तीन फरार। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके सब को जमीन दोस्त कर दिया गया। पुलिस ने सर्वेलांस की सहायता से घटना को सुलझा लिया है, जिसमें मृतक बच्चे अंशु के घर के ही एक सदस्य, बहन ने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए अपने भाई को भी रास्ते से हटवा दिया, जिसमें लड़की के प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर प्रेमिका के भाई की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद मासूम के शव को दफना दिया, जिसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए मृतक के भाई को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। फिलहाल पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर को ट्रेस कर आरोपियों की धरपकड़ की है, जिसमें 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही पुलिस है। पुलिस का दावा है वह जल्द ही पूरे केस को सुलझा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। हत्या का खुलासा कदमा सिंह ने बताया। स्वार के मसवासी चौकी क्षेत्र में गांव का एक बच्चा 9 दिसंबर को अपने घर के सामने खेल रहा था, वहां से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। 10 तारीख को उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर बच्चे को उसकी रिश्तेदारी में और आसपास में ढूंढा। फिर जब पुलिस को लगा कि 7 साल का बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तब पुलिस ने आसपास के गन्ने के खेत, नदी नाले आदि में ढूंढा। तब गुमशुदा के भाई के फोन पर शाम को एक फोन आया, जिसमें 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने फिरौती के लिए जिस नंबर से फोन आया था उसे सर्वलाइन पे लगा दिया। तलाश शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने फिरौती के लिए इस्तेमाल किया गया सारा सामान और चार्जेस में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। पकड़े गए आरोपी ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि घटना को अंजाम देने में आरोपी की मदद परिवार के सदस्य ने ही की थी। घटना कड़ित करने वाले आरोपी मृतक अंशु को कुछ दिन से पैसे देकर बहला फुसला रहे थे, लेकिन जब उन्हें उससे खतरे का एहसास हुआ तब तभी आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी निशानदेही पर शव बरामद किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे, कल तक उन लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। आरोपी नई उम्र के बच्चे हैं, जिन्हें नासमझी में इस तरह का कदम उठाया है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग भी की थी। ऐसा है कि स्वार के मसवासी चौकी क्षेत्र में एक गांव है भुअरा, वहां का अंशु नाम का एक बच्चा 9:12 को 1:30 बजे अपने दिन में अपने घर के सामने खेल रहा था, गायब हो गया था। परिवार के लोगों ने उसकी ढूंढ ढाई की और 10 तारीख को फिर उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बच्चा इस तरह से गायब हो गया है। पुलिस ने उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया और उनकी रिश्तेदारी और जगह ढूंढा। कल जब पुलिस को ये लगा कि 7 वर्ष का बच्चा बहुत दूर नहीं जा सकता, तो उन्होंने आसपास के गन्ने के खेत, नदी नाले, कुएं, तालाब, इन सब में जब पुलिस ग्रामीणों की मदद से, चौकीदारों की मदद से छानबीन शुरू की, तो शाम को एक फ़ोन आता है गुमशुदा के भाई के फ़ोन पर, जिसमें 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। यहीं से पुलिस को एक क्ल्यू लगा तुरंत, और जब उस पर हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से काम शुरू किया तो लगा कि बहुत सातिर गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 या 2 कालों के अलावा कोई काल थी नहीं उस उम्र में। बट सिम नई एक्टिवेट थी और जहाँ से एक्टिवेट थी फिर वहाँ से हमने शुरू किया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर वो व्यक्ति मिल गया, फिर वो मोबाइल सेट मिल गया, और फिर सिम कहीं छिपा कर रखा गया तो वो सिम मिल गया। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें से 2 आदमी जो हमने पकड़े थे, अनुराग शर्मा, वो टूट गया और उसने पूरी घटना का वृत्तांत बताया। इस घटना के वृत्तांत मैं कहूँगा कि तह में एक प्रेम प्रसंग है, जिसको कि स्त्री मर्यादा के नाते मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुमशुदा के परिवार से ही था। और घटना कारित करने वाले लोग, उनको चूंकि ये था कि इसके बारे में संशु को जानकारी है, तो पिछले काफ़ी दिनों से उसे 10-20 रुपए देके बहला फुसला रहे थे, लेकिन लगा कि हो सकता है कहीं इस बात को गांव में कह न दे या घर में कह न दे,
इस नाते इन सभी मित्रों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। 5 लोग हैं, 2 उसके गांव के हैं, 3 पड़ोसी गांव के हैं। 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हीं की निशानदेही पे आज 100 भी बरामद हुआ है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। इनसे पूछताछ करके शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की दिशा में हम प्रयासरत हैं। कल तक हमें उम्मीद है कि कुछ लोग और गिरफ्तार हो सकते हैं। पर आपराधिक रिकॉर्ड तो कोई नहीं है इनका पुराने के? नहीं, ये बिल्कुल नई उम्र के बच्चे हैं और सिर्फ उम्र के तकाजे में जो घटना हुई उसमें इन्होंने इस तरह से कर दिया। इन्हें लगा कि इससे हम छिपा ले जाएंगे, और जब आसपास ही पुलिस ढूंढने लगी कि 7 वर्ष का बच्चा बहुत दूर तक नहीं जा सकता, कोई दुर्घटना उसके साथ हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, तो पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने 15 लाख की फिरौती का एक फ़ोन कर दिया उसके बड़े भाई पे, जबकि उनकी माली हालत पारिवारिक 15,000 रुपये की नहीं है। उन्हें लगा कि इससे पुलिस कहीं और बड़े गैंगों की ओर घूम जाएगी और हम बच जाएंगे।